Assalamualaikum everyone. आज हम बात करेंगे एक कॉमन मसला जो कि हमारी मदर्स जो कि न्यू मदर बनती हैं डेली बेसिस पे फेस करती हैं, जिसे कि नैपी रैश, डायपर रैश या डायपर डर्मेटाइटिस कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो नैपी रैश होते हैं, डायपर रैश होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और बहुत ज़्यादा पतली होती है। जैसे ही बच्चा जो है वो यूरिन पास करता है, पेशाब करता है या पखाना पास करता है और मदर अगर उसका पैंपर फौरी तौर पे चेंज नहीं करती तो बच्चों की जो स्किन है वो नमी अब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि बच्चों की स्किन में नमी अब्जॉर्ब ना करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होती। जब वो नमी अब्जॉर्ब कर लेती है तो उसकी वजह से उसमें रैशेज या स्किन जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, टेंडर हो जाती है, सॉगी हो जाती है। इसके साथ साथ दूसरी वजह ये कि जब बच्चा स्टूल पास करता है, जब वो बड़ा पेशाब कर देता है, उसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिसमें कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है। वो अमोनिया गैस जब उस लास्ट स्किन के ऊपर असर करती है तो उसके बाद उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में कि जिनके ऊपर आप अमल दराम करके आप इस मसले से बच सकते हैं डेली रूटीन के तौर पे। सबसे पहला टिप यहाँ पे ये है कि आप पैम्पर जो है जो भी आप यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। यहाँ पे हम कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करें, लेकिन जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो अच्छे से अच्छा, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ लेंगे तो बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा, उसे नैपी रैश नहीं होंगे। सेकेंड चीज़ ये कि पैम्पर का जो है वो आपका साइज एक्यूरेट होना चाहिए आपके बच्चे के अकॉर्डिंग। दोनों सूरत हाल में बच्चा जो है वो ख़राब रहेगा। अगर बच्चे का साइज पैम्पर का बहुत ज़्यादा टाइट होगा या मदर्स बहुत ज़्यादा टाइट करके पैम्पर लगाती हैं तो मुसलसल फ्रिक्शन की वजह से जो है रैश हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बच्चे का पैम्पर जो है बहुत ज़्यादा लूज होगा तो बच्चा जो भी स्टूल पास कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है तो वो उसकी सारी टांगों पर लगा रहेगा तो उसको हर जगह पर जो है वो रैश का सामना होगा। तो पैम्पर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैम्पर को आपने कभी भी, बच्चे ने यूरिन पास किया है, पेशाब किया है, नहीं किया, पैम्पर का एक टाइम है 3 to 4 hours, ये मैक्सिमम टाइम है कि आपने पैम्पर हर 3 to 4 घंटे के बाद चेंज करना है। अगर बच्चे ने कर दिया है स्टूल या यूरिन तो आपने इमिडिएटली उसे चेंज करना है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ है, तो उसे मैक्सिमम 4 घंटे बाद आप चेंज करें। देखा जाता है कि रूटीन में माएँ जो हैं वो सुबह पैम्पर लगाती हैं, शाम को चेंज करती हैं कि यूरिन नहीं किया, स्टूल नहीं किया, उसमें जो केमिकल होता है वही बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो बराए मेहरबानी ये गलती ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप यहाँ पे ये है, आप जब भी बच्चा स्टूल पास करता है तो आप उसे कोशिश करें कि आप उसे टैप वाटर यानी खुला पानी, टूटी का पानी, उससे आप उसे वॉश करें। वाइप्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी भी सूरत में, आप सफ़र में हैं या हॉस्पिटल में, आपको ज़रूरत है कि आपने वाइप्स यूज़ करने हैं तो हमेशा फ्रेगरेंस फ्री वाइप्स का इस्तेमाल करें। कभी भी फ्रेगरेंस वाले वाइप्स यूज़ ना करें, उसका जो केमिकल है वो भी स्किन में अब्जॉर्ब होता है, बच्चे को स्किन इरीटेट करवाता है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि बच्चों की स्किन को वॉश करने के लिए कभी भी एंटीसेप्टिक वॉश जो साबुन है वो इस्तेमाल ना करें, जैसे कि डिटॉल, सेफगार्ड वगैरह, क्योंकि उनकी पीएच जो एसिडिक होती है वो बच्चों की स्किन को सूट नहीं करती और वो मज़ीद बच्चों को रैश करवाती है। बच्चों के लिए हमेशा आप जो है जैसे जॉनसन, इस जो सोप फ्री साबुन होते हैं, आपने कोशिश करें कि उनका आप इस्तेमाल करें। जैसे ही आपने बच्चों को साफ कर लिया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने बच्चों को वॉश कैसे करना है। ये एक कॉमन सी बात है जो कि हमारे मुआशरे में डिस्कस नहीं की जाती। कभी भी आपने बच्चे को पहले बड़े पेशाब वाली जगह को साफ करके आगे वाली जगह को साफ नहीं करना होता, क्योंकि ऐसा होता है स्पेशली फीमेल बच्चियां जो होती हैं उसमें यूटीआई हो जाता है। हमेशा बच्चों को क्लीन करने की जो आपने मूवमेंट रखनी है, इस बात को याद रखें, आपने फ्रंट टू बैकवर्ड रखनी है। पहले आप आगे से साफ करें, फिर आप बैक साइड पर जाएँ, और फिर उन हाथों को आप कभी भी आगे टच ना करें अंटिल अनलेस कि आप अपने हाथ जो है वो वॉश कर लें। हमेशा फ्रंट टू बैकवर्ड मूवमेंट होगी, बैकवर्ड टू फ्रंट मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि बच्चों में यूटीआई हो जाएगा। जैसे आपने बच्चों को वॉश कर लिया है, उसके बाद आप कोशिश करें बच्चों को टॉवल से रगड़े नहीं। अगर गर्मियों का मौसम है तो उसे पंखे के नीचे लिटा दें, अगर सर्दियां हैं तो उसे ऐसे ही कुछ देर के लिए ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, या कोई टॉवल या सॉफ्ट कपड़ा लेके उसको डैप कर दें ताकि वो ड्राई हो जाए। रगड़ने से उनकी स्किन इरीटेट हो जाएगी और वो पील ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे बात आप करेंगे कि कुछ टाइम के लिए बच्चों को आप ज़रूर जो है वो डायपर फ्री रखें। एक
टाइम आपका होना चाहिए कि आप उसे डायपर फ्री रखें। मैक्सिमम दिन में हर दफा जब आप पैम्पर चेंज करें तो 30 से 40 मिनट आप डायपर फ्री रखें उस बच्चे को। जब आप रखेंगे बच्चे की स्किन ड्राई हो जाएगी, तो अब आपने यहाँ पे करना है कि आपने उसके दरमियान बैरियर क्रिएट करना है पैम्पर और बच्चे की स्किन के दरमियान। उस बैरियर को क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास घर में मौजूद वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या कोई भी ऑयल जैसा कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल आप अच्छे से अप्लाई करें ताकि जो पैम्पर का जो केमिकल है या जब वो यूरिन करे तो वो डायरेक्ट जो है बच्चे की स्किन में अब्सॉर्ब ना हो। तो ये आप जरूर करें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है, कुछ माएँ देखा जाता है कि टैल्कम पाउडर यूज़ करती हैं। टैल्कम पाउडर गलती से भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो पाउडर होता है जैसे ही बच्चा यूरिन पास करता है तो वो क्रिस्टल बना देता है। जब वो क्रिस्टल बनते हैं तो वो अगर आपने उसे फौरन क्लीन नहीं किया तो उसकी फ्रिक्शन से बच्चे को मजीद रैशेज हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि आप खुद से कभी भी कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम या ऑइंटमेंट यूज़ ना करें। अगर आपको यूज़ करनी है, आपके बच्चे को मुसलसल नैपी रैश का मसला रहता है, तो एक जिंक ऑक्साइड के नाम से पेस्ट या क्रीम मिलती है, आप वो यूज़ करें। बट प्लीज़ खुदारा बच्चों में खुद से हाइड्रोजोल, एक्वाजोल इस तरह की क्रीमों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये स्किन से अब्जॉर्ब होकर आपके खून में जाती हैं और ख़तरनाक किस्म की बीमारी करवा देती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।